रामपुर के भारत गार्डन में आज जिला अधिकारी रविंद्र मानदंड ने जिले के सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान की पाठशाला लगाई, जहां पर सभी को विकास कार्यों को लेकर प्रशिक्षण दिया। साथ ही ग्राम प्रधानों की सराहना करते हुए उनको बधाई भी दी। इसके साथ ही डीएम कहते हैं कि प्रधानों ने जिस तरीके से कार्य पूर्ण किया है, इसके साथ ही प्रधानों को चेतावनी भी दी गई। जिले के अंदर जितने भी पंचायत भवन हैं, जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, सामुदायिक केंद्र हैं, उन सभी का विकास कार्य कराएं और सुचारू रूप से उन्हें चालू करें। इसके साथ ही अपने गांव को आदर्श गांव बनाएं और समय समय पर अपने गांव की मॉनिटरिंग करें और सद्भाव से ग्रामवासियों की समस्या का समाधान करें। रामपुर से QTV भारत के लिए अफवान अहमद की रिपोर्ट। इसके माध्यम से जितने शासकीय योजनाएं हैं, उसका लाभ व्यक्ति अपने स्थानीय गांव में ही ले लेगा, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अच्छी क्वालिटी की वहां पे आधारभूत चीजें बने। तो सबसे पहले किसी भी गांव के विकास का मानक होगा कि गांव का हमारा ऑफिस कैसा होता है। तो मॉडल आपका ग्राम पंचायत भवन, मॉडल विद्यालय, मॉडल आपका जो स्वास्थ्य भवन, वहां पे जो हमने बोला विलेज क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अभी मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र, तो ये ऐसे मॉडल आपका खेल का मैदान, सारी गलियां आपकी पक्की हो जाए, आपकी नालियां बन जाए और आपका जो हेल्थ के सेक्टर में कोई कुपोषण की समस्या ना रहे, कोई मातृ मृत्यु की समस्या ना रहे, तो फिर हम कहेंगे वास्तव में हमारी पंचायत आदर्श पंचायत बनी है। और आप सबने देखा होगा कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई किसी प्रकार के कोई अद्भुत प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये वो जो डेली डे टू डे की चीज़ें हैं जो हम और आप जानते समझते हैं, केवल विचार नहीं करते, मंथन नहीं करते और क्रियान्वयन नहीं करते। तो आज हमने मंथन भी किया है, क्रियान्वयन। सर आज प्रशिक्षण दिया गया प्रधानों को मीटिंग के लिए? देखिए, जब निर्वाचन के बाद से हम जितने हमारे प्रधान जो नए चुन के आए थे, उनसे इंटरेक्शन सीधे फेस टू फेस इंटरेक्शन करना चाहते थे। हालांकि पहले हम लोग ऑनलाइन माध्यम से उनको प्रशिक्षण प्रदान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जनपद शासन की के मुखिया के रूप में मेरी अपेक्षा थी कि सभी प्रधानों से सीधी बात मैं करूं और जो शासन प्रशासन की क्या उनसे आकांक्षाएं अपेक्षाएँ हैं और जो हमारा पंचायती राज अधिनियम है, क्या जिम्मेदारियां उनको दे रखी हैं और आदर्श पंचायत बनाने के लिए वर्तमान में क्या क्या चीज़ें उनके द्वारा की जानी है, उन सभी विषयों पर बहुत विस्तार से बात करूँ। इसीलिए आज यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विभिन्न अलग अलग विभागों में प्रधानों की महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, तो सभी विभागीय अधिकारी भी हमारे यहाँ